गुड मॉर्निंग गाइस, ओके भैया बाइक हो गई अभी रेडी और टाइम हो गया है अपना, देखते हैं 6:44। ये कुछ मेरे भाई भी आए हैं बैंक बाइक को, इनका किश्तवाड़ का प्लान था बट मैंने पूछा इनसे भी तो दे आर मोस्ट लाइकली 80% दे आर सेइंग दे विल गो टू मनाली साइड। ओके सर, सी या। अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं। अभी नाश्ता कुछ किया नहीं है मैंने, अभी जो है सिर्फ पानी पिया था, एक बॉटल भर लिया है और रास्ते में कहीं देखेंगे यार टाइम से सब चलता रहा तो रोक के एक बार, यार हाथ एकदम सुन्न पड़ गया मेरे, तो रोक के एक बार पानी गर्म करके ना ओट्स खा लेंगे, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। ये तो यार 8 बजे तक बनाते हैं नाश्ता, उसने कल बोला था 7 बजे तक दे देंगे, 6:30, 7:30 तक, तो वो अभी एक लड़का उठा ही था उसमें से, तो मैंने कहा नहीं यार लेट जाएंगे, लेट्स गो। जगह तो प्यारे गाँव बने हुए हैं यार, कितना सुंदर है ना। अभी यहाँ कह रहे हैं कि इस महीने के एंड पे बर्फ़ पड़ जाएगी बहुत, तो फिर इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा यार, बहुत ज़्यादा कैसे सरवाइव करते होंगे। बट ऑनेस्टली बताऊँ, शुरू की बात होती है, जिन लोगों ने सीख लिया ना वो उनको पता होता है कि विंटर में कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है एंड ऑल। साफ कितना है मौसम यार, साफ कितना है, और घरों में अगर ऐसा ब्लू ग्रीन पे ये येलो इस टाइप के कलर करा दो ना तो भाई और ही अच्छे लगते हैं फिर वो पहाड़ों के अंदर, दूर से ही दिखते हैं। ये देखो गाय के सिंह, देख लो कैसे ड्यूक खड़ी हुई है यहाँ पे, देखो ये है आपके लिए छोटा सा गांव धरवास नौरा गया यहाँ से। क्या लाइफ है यार, बहुत सिंपल, दिन बहुत स्लो जाता है भाई। कल रात को नेटवर्क नहीं आ रहा था, 8 बजे के आसपास मैंने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था यार, आप मानोगे नहीं कि मतलब मैं सोचूं मैं करूं क्या, बुक मेरे पास कोई थी नहीं पढ़ने के लिए, फ़ोन में मैं कुछ कर नहीं सकता इनफैक्ट 3-4 फोटोज देखने के अलावा, भाई दिमाग खराब हो गया यार, बंदे क्या करेगा। फूल कितने प्यार लगाए हुए हैं, वो देखो कितनी प्यारी लग रही नदी सामने, देख रहे होंगे आप है ना, मज़ा आ गया देख के। ऊपर धूप आ रही है पहाड़ों में, धीरे धीरे करके मौसम सही हो जाएगा, नीचे भी जा रहे हैं तो वैसे गर्म हो जाएगा। अभी मैंने वार्मर पहना है वो उतार दूंगा मैं, अच्छा है जो ऊपर चढ़ जाता था सुराल भतौरी किला, यहाँ से आप देखेंगे लिखा हुआ है सुराल भतौरी, और ये किलाड़ यहाँ से दिखा रहा है 10 किलोमीटर। हाँ फाइनली रोड पे आ गए, गाइस पानी का बहाव देखो, ओ भाई साहब जबरदस्त, काम जो ना चल रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे थोड़ी सी ऑफ रोड पैचेस हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कहीं कहीं पे प्रॉपर रोड है, जैसे अभी प्रॉपर रोड आ गई ये देखो, तो यहाँ पे भागती है ये मक्खन, देख रहे हो गाइस, वहां से जाना है और नीचे देखो ज़ूम। कल तो भाई साहब मैंने आपको कल भी दिखाए हैं बहुत सारे, बट ये देख लो हिमाचल में रोड्स आर डेंजरस, तो आपको जो है स्किल होना चाहिए आपके पास। तो भाई ये है किलाड़ आपका, छोटा सा ही है यार, मतलब पीछे 2-4 दुकानें से थी बस, और तो कुछ भी नहीं है, ऊपर बने हुए 2-4 घर, वो देखो कैसे दिखाऊं, मट्टी मट्टी है, और वो कह रहे हैं कि अब मनाली तक यही रास्ता है, और मनाली का बोर्ड में लिखा 193 किलोमीटर, भाई मुझे तो कल लगा था होगा यहाँ से 100 किलोमीटर हार्डली मुश्किल से, बट डिस्टेंस काफ़ी है और बाइक मार रही है स्लिप,
क्योंकि मट्टी वाली रोड है ना यार, इसमें तो बंदा भगा भी नहीं सकता, इसमें तो बहुत ही आराम से निकालनी पड़ेगी। ये देखो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब यार, ये रोड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ट्रैक्शन नहीं मिल पाता इसमें। देख रहे हो, दो चार घर बने हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, तो दुकान भी नजर नहीं आ रही मेरे को। तो भाई रोड तो बहुत ही ऐसी तैसी है, मट्टी कहाँ से आ गई इतनी यहाँ पे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे है नहीं रोड से। देख रहा यहाँ पे ये ना कि मैं थोड़ी अच्छी सड़क आने वजह से भी ठीक आ गई, मैं स्पीड तेज़ नहीं कर सकता क्योंकि यू नेवर नो कि आगे एकदम से कैसे वही वाली मट्टी वाली रोड आ जाए और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे पहाड़ है भाई ये, और सबसे बड़ी बात ये कि जब से मैं चला हूँ हार्डली एक आधी जीप को छोड़ के कोई गाड़ी नहीं आई यार, मतलब किलाड़ कब से मैंने क्रॉस किया हुआ है आपके सामने ही चलता जा रहा हूँ, देखो एक गाड़ी नहीं आ रही, शीशा खोला हुआ है मैंने, अगर कोई आएगा तो बंद कर लूँगा, बट भाई ठंडी हवा लग रही है और ना मेरे पीछे कोई ना मेरे आगे कोई, यही तो मज़ा है गया। लेकिन सामने से जीप भी आ रही है, उसको जगह देनी पड़ेगी, एक सेकंड। अरे बाप रे, घर देख रहे हो, पता नहीं कौन सा गांव है, रोड कब आएगी, अरे आ जा रोड, पूछे इनसे भैया जी रोड कहाँ से आएगी, सही रोड सही कहाँ से आएगी, रोड कहाँ से मिलेगी, ये कब, ये कच्चा रास्ता कब खत्म होगा, ये होगा उदयपुर, उदयपुर से बीच बीच में है, पैचिस में है ना। अच्छा, दो चार किलोमीटर पक्का है। हाँ, पाँच सात किलोमीटर पक्का है, अभी दोबारा कच्चा है। अच्छा, दोबारा पक्का है, अभी दोबारा, पर उदयपुर से आगे थ्रू आउट है। और पेट्रोल पंप मिल जाएगा आगे, पेट्रोल पंप के उधर कांदीपुर, कांदीपुर आएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू जी। ओके, तो हमने भी उदयपुर तक ऐसे ही चलानी है। ओए यार, स्लिप मारते कभी कभी, ओए बस आ गई। ऐसे निकालना पड़ता है गाइस, बस लेकिन जा कहाँ रही है, ओह ये कोई बस स्टैंड सा है लग रहा है ना। बस स्टैंड है क्या, हाँ ये देख रहे हो, अचानक से ही यार, ये साली मट्टी जाए ना बंदा तब तो गाड़ी चलाए। भाई अभी 50 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर उदयपुर है, वहां तक ऐसी ही रहेगी। ये देखो फिर आ गई, इनका यही है भाई, भाई साहब एजेस देख रहे हो, सुंदर है यार,
देखो बूंदे पड़नी शुरू हो गई हैं झरनों की ना, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये झरने तेज हो जाएंगे। एक आधी बूंद पड़ रही है हमारे ऊपर, वो शुक्र है मट्टी खत्म हो गई यार, मेन उसी का था। ऐसी रोड पर तो बंदा फिर भी चला ले, किसी की चप्पल गिरी हुई है भाई। पता नहीं कितना रह गया होगा डिस्टेंस यार, कि रोकेंगे तो मैप पे देखेंगे। वाटरफॉल कितना प्यार लग रहा है यार, कितना साफ पानी है, पत्थर तक दिख रहे हैं अंदर के भाई। ओह हो ये थी थोड़ी मस्त वाली। तो गाइस अभी वो छोटा सा सामने देख रहा हो गांव, वो उसका नाम है पूर्थी। पूर्थी गांव हमने अभी क्रॉस किया है, बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे ही देखते हैं हंस थोड़ा स्माइल पास करते हैं यार, इनोसेंट वाली। अब हम बढ़ रहे हैं, ये आ गया है फौजी ढाबा। फौजी जी बकरा रखा सामने, यहाँ से एक है ओ रोड़ागी शुगल वास। हाँ फाइनली मैन, थोड़ा रोक के नाम है सबसे पहले। उदयपुर है देखो 51, टिंडी 26, तिरोड 66, मनाली अभी भी 159 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रोक के जो है हेलमेट वगैरह पे कपड़ा मारेंगे, थोड़ा सा बाइक पे मारेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है बाइक। Hey, why are you staring at me? Hey, what's wrong with you? Hey, you black car. कैसे देख रही है? देख रहे भाई हालत देखो यार, कोई नहीं चलो। अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ निकाल लिया है। गाइस वाटरफॉल देखो, वाओ मैन दिस इज अमेजिंग, फोटो लूंगा इसकी मैं। लुक एट दैट मैन, भाई ये कौन सी वाटर क्रॉसिंग आ गई। ओए 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 है इसकी आंख, पता नहीं कितना गहरा है साला ये। निकल ही गया भाई, मजा आ गया मजा। अभी भी भाई ब्रो कट्स माउंटेन बट कनेक्ट हार्ट एंड स्टेट्स, भाई ठीक है। अभी मन यहाँ से मनाली है 130 किलोमीटर्स, लग जाएगा 3-4 घंटा यार, टाइम ले जाती है एक। ओ हो फिर आ गई देख रहे हो आप, लेकिन इसमें तो विजिबल है नीचे, आराम आराम से जाएंगे, जूतों में पानी नहीं जाना चाहिए भाई, पहले ही बता देते हैं। ओ हो ला 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 ना 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 ना, नाइस नाइस नाइस। ये मोस्टली रास्ता ख़राब है, अभी भी देखो मैं ख़राब रास्ते पे ही हूँ, बीच बीच में थोड़े अच्छे पैसेज हैं वो बहुत, लेकिन बहुत कम है। ओहो पाजी आ गए, कहीं गाड़ी मुझको साइड में लगानी पड़ेगी, एक सेकंड गाइस। निकल जाएगा। अच्छा एक सेकंड, भैया ने बोला आप ही निकाल लो, मैंने कहा ठीक है। शीशा बंद नहीं किया और धूल, ओ भैंस की आंखें, एक और बंद ही कर लो भाई, अब तो बहुत ज़्यादा है इसमें तो।
तो गाइस आई थिंक ये उदयपुर आ गए, छोटे छोटे से घर आ रहे हैं और रास्ता तो वही है, पता नहीं कब होगा सही। ओ तेरे की, तो ये ढंकी रोड आ गई है, उदयपुर अभी भी 2 किलोमीटर है भाई, थका दिया इस रोड ने लिटरली। हुआ क्या ना कि सच पास और किलाड़ के लिए तो आई वॉज रेडी, आई न्यू कि मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ देखो, उसके लिए तो आई वॉज रेडी, आई न्यू कि दिस वॉज कमिंग। ये तो मुझे लग रहा था कि नॉर्मल रास्ता होगा यार, बट दिस इज क्रेजी मैन, इतना गंदा रास्ता था। बट एनीवेज अब आ ही गए यहाँ पे, तो ये रास्ता बड़ा प्यारा लग रहा है यार, एकदम पेड़ों के बीच में जाते हुए ना, मनाली की यही खासियत है, सही लाहौल वैली की। और नदी बह रही है वहाँ साइड से, बहुत प्यारी नदी बह रही है भाई, बहुत मज़ा आ गया देख के, खड़ा होकर दिखाता हूँ। चलो ये देखो बस कितना सुंदर लग रहा है यार, या ये उदयपुर है, ये पक्का दिस इज उदयपुर। तो आप देख सकते हैं गाइस उदयपुर की मार्केट, ये कोई मंदिर है यहाँ पे। आई थिंक अब रोड ख़राब नहीं मिलेगी यार, क्या पूरी सिविलाइजेशन ही दिख रही है मेरे को, तो यहाँ प्रॉपर मार्केट है, तो मेडिकल स्टोर वगैरह भी है यहाँ पे। भाई पहले तो जाके नहा धो के ना, सबसे पहले थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े साफ़ करूँगा यार, जैकेट वैकेट पे ना थोड़ा सा कपड़ा कपड़ा मार के थोड़ा सा क्लीन करेंगे, हेलमेट साफ करेंगे, बहुत गंदा हो रहा है। इतना ऑफ रोडिंग, ये अंकल जी ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? मनाली साइड में कर लेता हूँ, सर मैं और किलाड़ से जी जी किले, हाँ जी सर किले, हाँ जी थैंक यू। बस रोड तो खराब नहीं आएगी ना आगे, रोड तो खराब, बस ठीक बेसिक चेक था। बट भाई एक रिलीफ ये है कि पुलिस ने बोला है कि अब नहीं आएगा ऑफ रोड पैच, जितना ऑफ रोड पैच था आपने कर लिया है एंड यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब, ये उन्होंने बोला नहीं है बट मैं उनकी दिल की भावना समझ गया था। तो भाई आई एम सो हैप्पी फाइनली सच पास करा है गाइस, नज़ारा देखो यार तुम, वाह मैन कितना क्लीन है यार, वाह। उतर गए नीचे, अब जो सीधी रोड जा रही है ये अटल टनल मनाली, और जो वहां जाएगी वो लेह की तरफ जा रही है केलांग की तरफ, तो अब हम सिस्सू की तरफ ही जाएंगे क्योंकि हमें केलांग तो जाना नहीं है। से मनाली 63 मैं इसका थोड़ा टाइम पास वाला लूप करवा रहा हूँ, तो गाइस अपन ने आज स्टे ले लिया है सिसु में, और ये देख रहे हो आप, और ये बादल कुछ अलग ही हैं देख रहे हो, और अटल टनल से ठीक पहले थोड़ा हमने रैम्बलर्स नेस्ट नाम की जगह है जहाँ पे
वो ले लिया है। बाइक की हालत मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ख़राब हो रही है यार। ये देखो भाई साहब, तो गाइस सिसु में जो हमने कमरा लिया है उसको मैं आपको एक बार ट्रिप कह रहा हूँ, एक बार आपको इस रूम का मैं वो दे देता हूँ वॉक अराउंड। ये देखिए, तो ये है गाइस सिसु में जो कमरा लिया हमने, सामान सारा फैला हुआ है। इसको अर्ली मॉर्निंग का मैं 4:30 बजे यहाँ से अम्बाला के लिए निकल जाऊँगा, और तो कल सुबह अम्बाला निकल जाएंगे गाइस। और फिर उसके बाद जो है हम कल दिल्ली भी कर सकते हैं, बट मैं दिल्ली कल नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैफिक होता है, वीकेंड है, वैसे भी वीकेंड मोड में लोग होते हैं। तो मैं कल पहुँचूँगा अम्बाला, कल अपने घर पर रहूँगा मम्मा के साथ, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग संडे को सुबह निकलूँगा 5 बजे, और 3-3.5 घंटे में खाली रोड होगी, आराम से हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। और कल मैं अपने वहाँ पहुँच के जो मेरा एक फेवरेट बंदा है उससे अपनी बाइक भी धुलवा लूँगा, तो अपना सारा मामला वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो बैठते हैं गाइस, कॉफ़ी बनाते हैं और फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह। सी या।